Welcome to a new course by Virtual University of Pakistan. I am Dr. Sara Shahid, and we are going to start a new course titled Psychological Testing and Measurement. Most students of psychology think that psychology is all about either psychotherapy or psychological assessment. Students of psychology may या दस साल बाद किसी क्लिनिकल सेटिंग में बैठकर वो काउंसलिंग कर रहे होंगे किसी मरीज का इलाज कर रहे होंगे या किसी मरीज को या सब्जेक्ट को बड़े को या बच्चे को साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रहे होंगे वो उनकी पर्सनालिटी की असमेंट कर रहे होंगे आईक्यू की मेजरमेंट कर रहे होंगे या उनकी अचीवमेंट को जाँच रहे होंगे और ये कोर्स इन्हीं चीज़ों के बारे में है अगर आपने कोर्स आउटलाइन में कोर्स की डिस्क्रिप्शन देखी हो तो आपने महसूस किया होगा कि शुरू में पहला जो एक डिस्क्रिप्टर है वो तो यही है जैसे कि सब कोर्सेज में होता है कि हमारा मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को टेस्ट और उससे मुत्ल दीगर कॉन्सेप्ट्स के बारे में वाकफियत हासिल हो लेकिन हमने इसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी तरतीब दिए हैं किसी भी कोर्स की तरह से एक बड़ा मकसद तो यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड बी फेमिलियर विद द बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज इन साइकलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट और किसी भी डिसप्लिन में पहला मकसद यही होता है क्योंकि जब आप एक कोर्स मुकमल करते हैं तो आप उसके बारे में सीख रहे होते हैं इसके साथ साथ आप इस बात की तरबियत हासिल कर रहे होते हैं कि जब आप किसी प्रोफेशनल सेटिंग में होंगे या कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे होंगे या किसी सेमिनार को अटेंड कर रहे होंगे तो जो टर्मिनोलॉजी जो असिलाहत वहाँ पर इस्तेमाल हो रही होंगी आप उनका मतलब समझ सकते होंगे इस कोर्स का एक और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए जब वो ये कोर्स मुकम्मल कर लें कि टेस्टिंग की बुनियाद में या उसकी तह में क्या कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं व्हाट आर द अंडर लाइंग व्हाट आर दंडर लाइंग डेट प्रोवाइड द फॉर्म of a psychological test in first place what is a psychological test then why do we use psychological tests are all psychological tests the same are they developed in the same manner and do they contain everything no all tests do not contain same thing they do not contain and cover the same concepts different tests are developed for different purposes कुछ टेस्ट शख्सियत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं कुछ इंटेलिजेंस के लिए कुछ किसी और चीज़ के लिए कुछ साइकोपथोलॉजी की जांच करने के लिए कुछ अचीवमेंट को देखने के लिए हम इन सब टेस्ट के बारे में बारी बारी बात करेंगे इसके अलावा हमारे ऑब्जेक्टिव्स में यह भी शामिल है कि स्टूडेंट्स को यह मालूम हो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट यूं ही लाइटली uh, लेते हुए इस्तेमाल नहीं किए जाते सीरियस बिजनेस यू तो हम कोई भी टेस्ट खुद से भी बना सकते हैं और किसी को दे सकते हैं कि ये आपकी शख्सियत की पैमाइश करेगा लेकिन वो एक आ, प्रोफेशनल टेस्ट नहीं होगा प्रोफेशनली डिवेलप्ड टेस्ट नहीं होगा इसी तरह से स्टूडेंट्स को ये भी जानना ज़रूरी है कि टेस्टिंग और मेजरमेंट इन दोनों में क्या फ़र्क है क्या टेस्ट ही मेजरमेंट का एक واحد टूल है या कोई और चीज़ें भी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं इसके अलावा टेस्टिंग की प्रोसीजर जो हैं वो किस तरह के होते हैं किस तरह के माहौल में टेस्ट को एडमिनिस्टर करना करना चाहिए और क्या एक ख़ुद से बनाया हुआ टेस्ट एक ऑलरेडी बने हुए स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बराबर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं जिन टेस्ट को हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं और जो कि प्रोफेशनली डिवेलप्ड टेस्ट हैं और जिनको हम चाहते हैं कि सिर्फ प्रोफेशनल्स ही इस्तेमाल करें वो टेस्ट आम तौर पर बनाए हुए खुद से बनाए हुए टेस्ट या किसी सर्वे के लिए बनाए गए टेस्ट से मुख्तल होते हैं इनमें क्या फ़र्क है वो क्या प्रोसीजर्स हैं जो कि टेस्ट डिवेलपमेंट में इन्वॉल्व है आ, इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि टेस्ट की इसेंशल करेक्टरिस्टिक्स क्या है इस कोर्स में जब भी हम टेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हमारी मुराद प्रोफेशनली टेक्निकली डिवेलप्ड साइकलॉजिकल टेस्ट से होगी यूं तो हम अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि हम ये टेस्ट करते हैंगे कि तुम मेरे कहने पर आ, कितनी जल्दी सौ सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे ये टेस्ट है मेरी दोस्ती का लेकिन इसको हम एक प्रोफेशनल टेस्ट नहीं कहते तो यहाँ पे इस कोर्स में टेस्ट से मुराद वो टेस्ट हैं जो कि प्रोफेशनल्स ने बनाए हैं प्रोफेशनली अवेलेबल हैं और उनके आमतौर पर कॉपी राइट्स होते हैं उनको आम यूं भी बगैर इजाजत के इस्तेमाल भी नहीं कर सकते या आप उनको खरीदते हैं या परमिशन हासिल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब है कि इसमें कुछ एथिक्स भी इन्वॉल्व है हम एथिकलिटी की भी बात करेंगे एक और अहम इशू जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के इस्तेमाल में सामने आता है वो है सोशल एंड कंट्रोल फैक्टर्स देखा गया है और बहुत सी रिसर्च अवेलेबल है जिससे हम ये जानते हैं कि टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन और टेस्ट की इंटरप्रटेशन में सोशल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स का बहुत अहम रोल है कि एक टेस्ट जो एक वेस्टर्न माशरे में बनाया गया है उसको अगर हम एक टिपिकल ईस्टर्न माशरे में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें कुछ मसाइल दरपेश आए सो ऑब्जेक्टिव इस कोर्स के फिर यही हैं कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट से वाकिफ किया जाए जब ये कोर्स ख़त्म हो जाए तो वो तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ हों उनको ये मालूम हो कि टेस्ट किस तरह से डेवलप किए जाते हैं एक कल्चर का बनाया हुआ टेस्ट दूसरे कल्चर में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो तो क्या मुख्तु पर्पसेस हैं जिनके लिए टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं और किस प्रोफेशनल सेटिंग में किस तरह के टेस्ट इस्तेमाल होंगे यहाँ हम टेस्ट का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं हमें दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए पहली बात कि टेस्ट होता क्या है और दूसरी बात यह कि टेस्ट इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं इफ़ यू रिमेंबर द डेफिशनोजीड वी नो दैट साइकोलॉजी इज दी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस न हाउ डू साइकोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस वी नो दैट वी हैव वेरियस रिसर्च मैथड अवेलेबल टू अस रिसर्च कर सकते हैं बट द टूल्स दैट वी यूज फॉर असेसिंग अ परसनस मेंटल प्रोसेस आर साइकलॉजिकल टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट वो uh, आलात हैं या वो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से किसी शख्स के मैंटल प्रोसेस की जाँच की जाती है बिहेवियर हम ऑब्जर्वेशन से भी मालूम कर सकते हैं लेकिन अगर किसी की जहानत को हमने मेजर करना हो या उसमें पर्सनैलिटी में हमने देखना हो कि क्या करेक्टरिस्टिक्स या क्या ट्रेट्स पाई जाती हैं तो ऑब्जर्वेशन तो किसी हद तक हमें इंफॉर्मेशन देगी लेकिन प्रॉपर्ली डिज़ाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट हमें बताएंगे कि इस शख्स की शख्सियत में आ, मिसाल के तौर पर अफेक्शन किस हद तक पाई जाती है इंडिपेंडेंस किस हद तक पाई जाती है और दूसरे लोगों के मुकाबले में अगर इस शख्स की जहानत हंड्रेड है तो एवरेज आई 100 वन के मुकाबले में इसकी जहानत क्या माने रखती है क्या हम इसको एक जहीन शख्स समझें एवरेज शख्स समझें या एक कम जहीन शख्स समझें इसके अलावा हमने पहले ये भी बात की थी जब हम फाउंडेशन कोर्स और दूसरे कोर्सेस कर रहे थे तो हमने देखा था कि साइकोलॉजिस्ट मुख्तफ प्रोफेशनल सेटिंग्स में काम करते हैं ये प्रोफेशनल सेटिंग्स एजुकेशनल भी हो सकती हैं हॉस्पिटल में हो सकती है, क्लिनिक्स में हो सकती है, रिसर्च में हो सकती है। इसके अलावा बहुत से साइकोलॉजिस्ट स्क्रीनिंग के लिए काम करते हैं आर्म्ड फोर्सेस में एयर फोर्स में मुख्तलिफ सिलेक्शन कमीशन जो होते हैं जो मुख्तलिफ तरह की जॉब्स के लिए लोगों को सिलेक्ट करते हैं इन तमाम सेटिंग्स में जहाँ साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं वहाँ पे उनका एक बड़ा टास्क यही होता है कि वो कैंडिडेट्स की असेसमेंट करें हॉस्पिटल में हैं तो कैंडिडेट्स को देखेंगे मरीजों को देखेंगे किसी जॉब की प्लेसमेंट में हैं तो जो अच्छे और बुरे कैंडिडेट्स हैं या काबिल और कम काबिल कैंडिडेट्स हैं उनकी छाँट पटक करते हैं स्क्रीनिंग करते हैं शॉर्टलिस्टिंग करते हैं तो जिस किसी भी सेटिंग में प्रोफेशनल प्लेस में साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं वहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट इस्तेमाल होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट हमें ये देखना है कि आखिर क्या चीज़ है जैसे कि नाम से जाहिर है टेस्ट से मुराद है आजमाइश मेजरमेंट से मुराद है पैमाइश और हम सिर्फ मेजरमेंट और सिर्फ टेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्टिंग एंड मेजरमेंट व्हिच मींस दैट टेस्ट आर वन टूल ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी और मैंटल प्रोसेस और बिहेवियर But measurement can be more than just tests. A test is a measurement device or technique used to quantify behavior or aid in the understanding and prediction of behavior. Agarab koyadu the psychology ke bunyadi goals kya hai? What do the psychologists ultimately want to attain? Psychological research, psychological study. ज दीज गोल्स ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन एंड ऑन द बेस ऑफ ऑल दीज प्रडिक्शन हम चीज़ों का लोगों का इवेंट्स का वाक़ का मतलब करते हैं ताकि हम सबसे पहले उनको ऑब्जर्व करें और देख सकें उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर हम उसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं और लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि दूसरे लोग भी उस इंफॉर्मेशन से वाकिफ हों इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि पर्सनालिटी क्या चीज़ है जहानत क्या चीज़ है फियर क्या चीज़ है फोबिया किसको कहते हैं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है उसकी बिना पे हम फिर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं हम बता सकते हैं कि एक फनामिनन में कौन कौन से वेरिएबल्स ने अपना रोल अदा किया और जब हम ये जान लेते हैं और हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका मतलब है हम फ्यूचर uh, के लिए प्रडिक्ट कर सकते हैं वी कैन प्रोडिक्ट फॉर द फ्यूचर दैट इफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स आर प्रेजेंट देन दिस इज हाउ जी वेरिएबल इज गोइंग टू बिहेव इन फ्यूचर यहाँ पे एक और चीज़ जो है उसको हमें क्लियर कर लेना चाहिए दो टर्म्स हैं टेस्टिंग और टेस्ट एंड असैसमेंट वी यूज़ दीज टर्म्स इंटरचेंजबली अक्सर हम कहते हैं कि हमने उसकी टेस्टिंग की या हमने उसको टेस्ट दिया और हम ये भी कहते हैं कि असेसमेंट की पर्सनैलिटी की असेसमेंट इंटेलिजेंस की असमेंट एप्टीट्यूड की अससमेंट इरेटेबिलिटी की असमेंट टॉलरेंस की अससमेंट आमतौर पर जब हम इसको इंटरचेंजबली इस्तेमाल करते हैं तो इंप्रेशन मिलता है कि शायद टेस्ट और असेसमेंट दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं

इंटरव्यूज को शामिल करते हैं और केस हिस्ट्रीज भी उसमें शामिल की जाती हैं मसला आप अगर किसी हॉस्पिटल सेटिंग में हैं या क्लिनिक सेटिंग में हैं और आपने किसी शख्स की किसी बच्चे के जो प्रॉब्लम चाइल्ड आया है उसकी असमेंट करनी है तो आप उसको सिर्फ एक टेस्ट देके नहीं कहेंगे कि असमेंट मुकम्मल हो गई आप उसका बिहेवियर इन जनरल भी ऑब्जर्व करेंगे आप उसकी पूरी पास हिस्ट्री पूरा रिकॉर्ड भी स्टडी करेंगे मे बी आप उसके स्कूल से उसके बारे में एक्डेमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और इसके साथ साथ आप उसके पेरेंट्स से और उस बच्चे से या उसके सिबलिंग से भी इंटरव्यूस करेंगे तो हम ये देखते हैं कि असेसमेंट एक पूरे प्लान या पूरे पैकेज का नाम है और टेस्ट उस पैकेज का एक हिस्सा है एंड इन मॉडर्न लेटेस्ट असेसमेंट प्लान वी एड मोर थिंग्स टू असेसमेंट पैकेज ऑल्सो

वो किसी सी की फॉर्म में या किसी फोल्डर की फॉर्म में साथ जाते हैं या अगर आप फैशन डिजाइन के लिए जा रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हुए अपना पोर्टफोलियो लेके जाएंगे जिसमें आपने प्रीवियसली फैशन से रिलेटेड जो काम किए हैं या चीज़ें डेवलप की हैं वो उसमें मौजूद होंगी सो so, uh, इसके कहने का मकसद यह है कि असेसमेंट प्लान के अंदर टेस्ट के अलावा और बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं एंड इन एनी असेसमेंट प्लान इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी विल यूज जस्ट वन टेस्ट पी मे रिलाई अपॉन अंगल टेस्ट बट एट द सेम टाइम वी मे चूज़ टू यूज़ अ बैटरी ऑफ टेस्ट यानि आप ये कहते हैं कि हम इस शख्स की असमेंट के लिए महज पर्सनैलिटी टेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे हम एक पर्सनैलिटी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे एक आई क्यू टेस्ट इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इस्तेमाल करेंगे ये देखने के लिए कि कहीं इस शख्स में किसी तरह की साइकोपेथोलॉजी तो पाई नहीं जा रही यहाँ पे एक और चीज़ भी हमें अपने जहन में क्लियर कर लेनी चाहिए कि जब हम किसी को टेस्ट देते हैं तो टेस्ट जो है वो इट इज़ नॉट द लास्ट वर्ड हरफ आखिर नहीं है वो किसी शख्स की बिल्कुल मुकम्मल पिक्चर पेश नहीं करता टेस्ट के रिजल्ट्स हमें उन्ही चीज़ों के बारे में बताते हैं जो कि टेस्ट के कॉन्टेंट में कवर की गई है मिसाल के तौर पर अगर आप इंटेलिजेंस का एक टेस्ट देते हैं और उसमें ज़्यादा आइटम्स या ज़्यादा क्वेश्चन मैथेमेटिक्स पर बेस करके बनाए गए हैं और आपका स्कोर उसमें अच्छा नहीं आता तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये टेस्ट अच्छा टेस्ट नहीं था ये वेल कंस्ट्रक्टेड टेस्ट नहीं था इसमें बायस थी फॉर मैथेमेटिक्स और जिन लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं है मे बी उनकी वोकेबलरीरी बहुत अच्छी हो तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि एक टेस्ट अगर सिर्फ मैथमेटिक्स पे बेस्ड था तो आपके आईक्यू की जांच कर रहा है हम ये कह सकते हैं कि वो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी की जांच कर रहा था जिसका मतलब है कि एक अच्छा आईक्यू टेस्ट है उसमें मुख्तफ तरह की एबिलिटीज़ को शामिल किया जाना चाहिए और किया जाता है अगर हम उसको किसी एक ख़ास सलाहियत या ख़ासबिलिटी के लिए बनाएंगे तो वो उस एबिलिटी का टेस्ट हुआ ओवरऑल इंटेलिजेंस का या आईक्यू का टेस्ट नहीं होगा और इसके साथ साथ तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ एक टेस्ट से पूरी शख्सियत जो है वो जांची नहीं जा सकती शख्सियत के मुख्तु पहलुओं के लिए मुख्त अवेलेबल हैं इसी तरह से साइकोपेथोलॉजी की जांच करने के लिए भी मुख्तलि तरह के टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं अब हम देखते हैं कि किस तरह के टेस्ट होते हैं उनकी क्या टाइप्स हैं क्या क्लासिफिकेशन की जा सकती है टेस्ट की आम तौर पर सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट या आईक्यू टेस्ट का नाम इस्तेमाल होता है अगर आप किसी बड़े और अच्छे या मे तो बी फ़ारेन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जाते हैं तो बाज़ात आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ता है इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड के नाम से भी वाकफ़ होते हैं लेकिन आपने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स की और टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें अचीवमेंट टेस्ट भी शामिल है जो टेस्ट आप स्कूल में देते रहे जो आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में देते हैं उन पर भी वही साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आईक्यू या पर्सनैलिटी के टेस्ट के लिए यहाँ पर हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करें कि कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर वही है और वही केयर और वही एहतियात हमें इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि हम दूसरे टेस्ट की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स की टाइप्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो वी कैन कैटेगराइज टेस्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस फॉर विच द टेस्ट वैट इज वेदर द टेस्ट इज मेजरिंग पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड अचीवमेंट साइकोपेथोलॉजी और अदर अबिलिटीज इस लिहाज से अगर हम देखें तो कुछ टेस्ट को हम पर्सनैलिटी टेस्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं कुछ को आई क्यू में ले आते हैं और आई क्यू टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी डिविजन्स है क्या वो बच्चों के आई क्यू के टेस्ट हैं या एडल्ट के सो समेस्ट दैट मे यर आई क्यू

दूसरी चीज जिसकी बेसिस पे हम टेस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हाउ इज द टेस्ट सपोज टू बी एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट आर इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट से मुराद है ऐसे टेस्ट जिनका मकसद एक इंडिविजुअल की जांच या मेजरमेंट करना है वो टेस्ट एक ग्रुप को बिठा के बहुत से लोगों को इकट्ठे नहीं दिया जा सकता और कुछ टेस्ट हैं जो ग्रुप टेस्ट हैं उसमें आप हाँ, आप पाँच दस पंद्रह बीस लोगों को भी इकट्ठे बिठा कर वो टेस्ट दे सकते हैं हर कोई अपना टेस्ट अलहदा से कर रहा होगा इस तरह के टेस्ट पेपर एंड पेंसिल टेस्ट हैं टेस्ट करने वाले लोग जिनको हम अगर वो नॉर्मल आ, लोग हैं जिनको हम किसी स्टडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने शौक से वो आए हैं किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है तो उनको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं या पार्टिसिपेंट्स सब्जेक्ट्स जो हैं वो पेपर और पेंसिल की मदद से अपना टेस्ट करते हैं उसके आइटम्स को सॉल्व करते हैं या उसका जवाब देते हैं मुकर वक्त के बाद वो टेस्ट उनसे इकट्ठा कर लिया जाता है दूसरी जानब इंडिविजुअल टेस्ट वो हैं जिसमें हम आ, समझते हैं या हम ये ज्यूम करते हैं कि अगर ये टेस्ट और लोगों की मौजूदगी में दिया जाएगा तो इसके वो रिजल्ट्स शायद ना हों जो कि तन्हाई में इसको करने से होंगे इस तरह के टेस्ट में आम तौर पर साइकोलॉजिस्ट या साइकोमीट्रीशन जो है उसमें और सब्जेक्ट में एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उनके आपस में गुफ्तू भी हो सकती है कुछ आइटम्स की तशरी भी की जा सकती है जबकि ग्रुप टेस्ट में ऐसा नहीं होता ग्रुप टेस्ट में एक ही दफ़ा इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि आपने ये टेस्ट इस तरह से करना है लोग उसको मुक्रा टाइम में पूरा करके आपको हैंडओवर कर देते हैं इंडिविजुअल टेस्ट आमतौर पर्सनालिटी टेस्ट हैं बहुत से आईक्यू के टेस्ट भी हैं जो इंडिविजुअली एडमिनिस्टर किए जाते हैं यहाँ पर हम ये बात मैंशन कर सकते हैं कि आई टेस्ट जो हैं वो सबके साथ पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होते बहुत से टेस्ट हैं जिनका कुछ हिस्सा पेपर पेंसिल टेस्ट पर मबनी है यानी आपको लिखने को दे दिया आपने वो जगह पुर कर दी या सवालों के जवाब लिख दिए लेकिन उनका कुछ पार्ट मैनुअल परफॉर्मेंस पे होता है यानी आपने उसमें कुछ चीज़ें अपने हाथों की मदद से करनी मसलन ब्लॉक्स दिए गए हैं उनका आपने एक डिज़ाइन बनाना है मसलन कुछ टेस्ट पर्सनैलिटी के ऐसे हैं जिसमें आप कुछ ड्राॅइंग्स करते हैं इस तरह के टेस्ट में जो सब्जेक्ट है या क्लाइंट है या मरीज़ है उसको बार बार या थोड़े थोड़े वकफ़े के बाद हो सकता है कि साइकोलॉजिस्ट की तरफ से कुछ मज़ीद इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो खास तौर पर अगर हम इस तरह के टेस्ट इस्तेमाल करें बहुत छोटे बच्चों के साथ मेंटली रिटार्डेड लोगों के साथ कमज़ोर लोगों के साथ ऐसे लोगों के साथ जो पढ़ लिख नहीं सकते

एंड यू हैव टू फिश द टेस्ट विद इन दैट टाइम इफ यू कैन नॉट फिनिश एंड एक्यूरेटली फिनिश द टेस्ट इन दैट टाइम इट अफेक्ट योर स्कोर कुछ टेस्ट ऐसे हैं विच आर एबिलिटी बेस्ड उसमें टाइम इतना मैटर नहीं करता अगर आपको पंद्रह मिनट में आप वो टेस्ट नहीं कर पाते तो आप बीस मिनट में भी कर सकते हैं मकसद ये देखना है कि आप में एक एबिलिटी मौजूद है या नहीं और अगर मौजूद है तो किस हद तक मौजूद है टाइम मैटर नहीं करता तो कुछ टेस्ट जो है वो स्पीड टेस्ट कहलाते हैं और कुछ टेस्ट जो हैं वो एबिलिटी टेस्ट कहलाते हैं एक और कैटेगराइज़ेशन जो हम टेस्ट की करते हैं वो हम डिफ्रेंश करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में अचीवमेंट टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट में और एबिलिटी टेस्ट में बाज कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो एबिलिटी टेस्ट को और अचीवमेंट को कन्फ्यूज़ कर देते हैं या अचीवमेंट को इंटेलिजेंस के साथ कन्फ्यूज कर देते हैं हमें क्लियर होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि अचीवमेंट टेस्ट इंटेलिजेंस का भी एक अच्छा इंडिकेटर हो मिसाल के तौर पर अगर क्लास में एक बच्चा टेस्ट में हमेशा सौ में से नाइन्टी एट नंबर लेता है और एक दूसरा बच्चा है जो कंसिस्टेंटली सेवेंटी और एट्टी के दरम्यान में स्कोर करता है क्या हम कह सकते हैं कि जो बच्चा हर दफ़ा अठानवे नंबर लेता है वो बहुत ज़्यादा जहीन है और जो बच्चा 70 और 80 के में नंबर लेता है वो उससे बहुत कम जहीन है शायद हम ऐसा नहीं कह सकते इसलिए कि हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट टेस्ट की और अचीवमेंट टेस्ट या जो एक्टामिक्कोलास्टिक अचीवमेंट के टेस्ट होते हैं वो सिर्फ़ानत को अ, मेजर नहीं कर रहे होते ये तो अचीवमेंट पर बेस्ड है और ये आपकी लर्निंग प्रोसीजर्स के ऊपर मेमोराइजेशन की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं अगर आप बहुत बाकायदगी से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं रोज़ाना अपना काम दोहराते हैं हर चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा चांस है कि इम्तहान में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे दूसरी जानब एक बच्चा जो हर रोज़ बाकायदगी से पढ़ाई नहीं करता क्योंकि उसको और इंटरेस्ट भी मे बी वो एक स्पोर्ट्स मैन है उसको खेलने का बहुत शौक़ है हर शाम को वो क्रिकेट खेलने के लिए जाता है या स्विमिंग करने के लिए चला जाता है या उसको गाना सीखने का शौक़ है वो अपने गाने की प्रैक्टिस में बहुत टाइम लगाता है तो हो सकता है वो अपनी पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे पाया और इम्तहान में उसके नंबर थोड़े से कम आते हैं जिसका मतलब ये है कि हो सकता है दोनों बच्चे एक जितने जहहीन हो उनका आई एक सा हो और मे भी जो दूसरा बच्चा कम नंबरों वाला है उसका आई क्यू दरअसल दूसरे बच्चे से ज़्यादा हो लेकिन एकेडमिक अचीवमेंट में जो बच्चा बाकायदगी से पढ़ाई करता है और जिसको सबक याद करने के बहुत अच्छे तरीके आते हैं वो हमेशा ज़्यादा स्कोर ले जाता है सो so, बात ये इसलिए की जा रही है कि हमें डिफ्रेंश करना चाहिए और हमें कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए इंटेलिजेंस टेस्ट में और अचीवमेंट टेस्ट में

इसलिए हम इसको स्ट्रक्चर्ड जो ऑबजेक्टिव टेस्ट कहते हैं बहुत से स्टूडेंट्स जब अपने इम्तिहान भी देते हैं या टेस्ट देते हैं या क्विजेस करते हैं तो इस बारे में क्लियर नहीं होते कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट को ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव uh, कहा क्यों जाता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट से मुराद ऐसा टेस्ट जिसमें चेक करने वाले की या मार्किंग करने वाले की पसंद या पसंद या दूसरे लफ्जों में सब्जेक्टिविटी का कोई दखल ना हो आप अगर एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं उसको कोई भी चेक करे आपके उतने ही नंबर आएंगे बिकॉज एवरी क्वेश्चन हैज ए फिक्स्ड आंसर आपने जो आंसर दिए उनको उसी तरह से गिन लिया जाता है और हम उसके नतीजे पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट में जांच करने वाले की या मार्किंग करने वाले की पसंद या नापसंद को दखल होता है आप अगर एक ऐसे लिखते हैं और मेरे ख्यालात आपसे बहुत मिलते हैं तो हो सकता है मैं आपको दस में से नौ नंबर दे दूं। और वही ऐसे कोई और टीचर चेक करे जिसके ख्यालात उससे बिल्कुल मुख्तलफ हैं जो आपने लिखा है तो शायद वह आपको दस में से पाँच नंबर दे दे जिसका मतलब है कि ये टेस्ट सब्जेक्टिव है इन विच सब्जेक्टिविटी ऑफ द एग्ज़ामिनर मैटर्स द एग्जामिन लाइक्स एंड डिसक्स और द एग्जामिन थोरेटिकल ओरियंटेशन एंड आइडियोलॉजी मेक्स डिफ्रेंस सो पर्सनैलिटी के ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो हैं उनमें एक फिक्स पैटर्न है फिक्स तरीके से एक सेट पैटर्न के तहत उनको एडमिनिस्टर uh, किया जाता है उसी तरह से उसकी मार्किंग आम तौर पर एक की की मदद से मार्किंग की जाती है और मार्किंग के बाद जो स्कोर्स आते हैं उनकी फिक्स्ड इंटरप्रिटेशंस मौजूद होती हैं और हम उसकी बिना के ऊपर किसी की पर्सनैलिटी के बारे में आ, एक रिपोर्ट बनाते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट एक मुख्तलिफ तरह के टेस्ट है ये एक आ, हम ये कह सकते हैं कि बहुत लूज नहीं मगर ढीले ढाले तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट को इस बात की अपॉर्चुनिटी कि वो जो रिस्पॉन्स चाहे वो दे फिक्स रिस्पांस नहीं है मसलन आप रो शाख ब्लॉट टेस्ट से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं ये टेस्ट बुनियादी तौर पर स्याही के धब्बों या इंक ब्लॉट पर मुश्तमिल है इंक ब्लॉट किसी शख्स को या सब्जेक्ट को दिखाया जाता है उसको कहा जाता है कि आप इसमें क्या देखते हैं कोई शख्स महज एक स्याही का धब्बा देखेगा किसी शख्स को उसमें एक तितली नज़र आएगी किसी शख्स को उसमें खून के धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं यानी हर शख्स अपनी स्टेट ऑफ माइंड अपनी मेंटल uh, ओरिएंटेशन, अपनी उस वक्त की कैफियत या पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसकी बिना पे उस धबे में कुछ भी देख सकता है और वो जो भी देखेगा जिस भी चीज़ का नाम लेगा उसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट uh, को या रिसर्चर को कोई एतराज नहीं होगा असल चीज़ इस बात का रिकॉर्ड रखना है कि उस शख्स ने उसमें क्या देखा ये क्यों देखा ये हम बाद में उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं इसी तरह से हमने पहले टी की भी बात की है थीमेटिक एपरसप्शन टेस्ट जिसमें तस्वीर दिखाई जाती है उसमें कुछ किरदार हैं और सब्जेक्ट से कहा जाता है कि इसके बारे में कोई कहानी लिखे जो सीन इस वक्त इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है इससे पहले क्या हुआ था अब क्या वाक्य हो रहा है और आईंदा क्या होने वाला है जिसका मतलब है कि सब्जेक्ट को टोटल फ्रीडम है कि वो जो भी चाहे कहे और फिर वही बात कि वो क्या कहेगा वो वही कहेगा जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस था या मौजूदा स्टेट ऑफ माइंड है या उसकी एक कैफियत है जहनी कैफियत है उसके मुताबिक जो उस वक्त उसके जहन में आ रहा है वो बयान करेगा इसके अलावा एक और चीज़ भी हमें टेस्ट में दिखाई देती है जैसे जैसे आप मुख्तफ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि कुछ टेस्ट ओरिजिनल टेस्ट हैं ओरिजिनली डेवलप्ड टेस्ट और कुछ टेस्ट उन्हीं के ट्रांसलेटेड वर्जनस हैं ज़्यादातर टेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो वेस्ट में बनाए गए और अमेरिका में ज़्यादा टेस्ट डिवेलप किए गए यूरोप में भी बहुत से मुल्कों में बहुत से टेस्ट बनाए गए इन टेस्ट को हम बाज़त एज़ इट इज़ अपने कल्चर में भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि शायद दुरुस्त नहीं कुछ टेस्ट जो है हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते इसलिए कि वो टेस्ट उस कल्चर के लोगों के लिए बनाए गए थे उनमें वो ज़ुबान इस्तेमाल की गई जो उस कल्चर के लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए गए जो उस कल्चर के कॉमन कॉन्सेप्ट है ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होते हमारे हाँ के कॉमन और हमारी जुबान में भी उनके लिए वही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो उन टेस्ट में थे जिसका मतलब है कि अगर हम इस तरह के टेस्ट जो हमसे एक बिल्कुल मुख्तल कल्चर में बनाए गए थे उनको अगर इस कल्चर में अपने यहाँ एज इट इज़ इस्तेमाल करेंगे तो एक कल्चरल बायस आ जाएगी मसलन मसलात का एक टेस्ट अगर ऐसे अल्फाज ऐसी, ऐसी वोबलरी में मुश्तमिल है जो अमेरिका का बच्चा तो बहुत अच्छी तरह से जानता है लेकिन पाकिस्तानी बच्चे के लिए वो बिल्कुल अनजान अल्फाज है क्या होगा अब वही टेस्ट जब आप पाकिस्तानी बच्चे को देंगे तो उसका स्कोर बहुत बुरा आएगा और बुरा स्कोर आई टेस्ट में आने का मतलब है कि आई बहुत लो है क्या उस बच्चे का आई लो था या उसको गलत टेस्ट दिया गया जवाब यह है कि उसको गलत टेस्ट दिया गया ये टेस्ट उसके लिए बना ही नहीं था इसका हल क्या है हल ये है कि उस टेस्ट को ट्रांसलेट किया जाए और फिर हम ये देखेंगे क्या ये ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है या नहीं जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ट्रांसलेटेड वर्जनस को भी हम एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं करते टेस्ट को ट्रांसलेट किया जाता है और उनकी अडेप्टेसन भी की जाती है यानी उनको अपने कल्चर के मुताबिक अडेप्ट किया जाता है बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वो टेस्ट दिए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कहीं इसमें कोई खामी रह तो नहीं गई तमाम रेलिवेंट खामियां, शॉर्ट कमिंग्स उन सब को दूर करने के बाद ही हम एक कल्चर में बनाए हुए टेस्ट को दूसरे कल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इस कोर्स में एक और चीज़ हम सीखेंगे और जो हमें अभी से मालूम होनी चाहिए वो ये Ke, what are the essential require, requirements, essential features, and essential characteristics of a psychological test? Are all tests good tests? Are all tests standardized tests? And can all tests be used with total confidence that they will give the results that we require? Jawab hai, nahi. Sab tests... अच्छे टेस्ट नहीं होते सब टेस्ट्स केयरफुली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट नहीं होते और सब टेस्ट ज़रूरी नहीं हमें वही इंफॉर्मेशन दे जो कि उनको देनी चाहिए यहाँ पे हम देखते हैं कि दो चीज़ें या दो फीचर्स या दो क्वालिटीज टेस्ट में होना बहुत जरूरी है ए वैलिडिटी एंड बी रिलायिलिटी वेलिडिटी मीन्स डैट टेस्ट शुड मेजर वॉट इट इज सपोज टू मेजर इट शुड मेजर फॉर वॉट इट वॉज डिवेलप्ड यानी जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया गया जिस क्वालिटी uh, को जिस फिन को जिस कॉन्सेप्ट को किस कॉन्ट्र कॉन्स्टेक्ट को मेजर uh, करने के लिए टेस्ट बनाया गया वो टेस्ट उसी को मेजर करें यानी अगर हमने इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक टेस्ट बनाया तो उसको इंटेलिजेंस ही मेजर करनी चाहिए जैसे भी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अचीवमेंट टेस्ट को हम कह देते हैं कि इससे बच्चे की जहानत का पता चल रहा है जो कि गलत है ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट पोजिशन लेने वाला बच्चा क्लास में सबसे जहन बच्चा भी हो इसको देखने के लिए हमें आई टेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा अचीवमेंट टेस्ट काफी नहीं है ये इंफॉर्मेशन देने के लिए इफ अ टेस्ट टेस्ट इज नॉट मेजरिंग व्हाट इट इज सपोज टू मेजर देन इट इज नॉट अ वैलिड टेस्ट टेस्ट की वैलिडिटी को मेजर करने के बहुत से तरीके हैं आ, मिसाल के तौर पे जो सबसे आसान और साधा तरीका तो यही है कि टेस्ट आपको देखने में लगे कि ये वही मेजर कर रहा है जो इसको मेजर करना चाहिए लेकिन बाज सिचुएशंस uh, में बाज टेस्ट में हम यूँ भी करते हैं कि उसको किसी और मिलते जुलते टेस्ट के साथ रिलेट uh, करके भी देखते हैं अगर दोनों टेस्ट एक से रिजल्ट्स दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो दूसरा टेस्ट जो हमने बाद में डेवलप किया वो भी उसी कॉन्सट को मेजर कर रहा है जिसको हम मेजर करना चाह रहे थे मुख्तरा ये कि टेस्ट कैन नाट बी एक्सेप्टेबल इनटल

आज दिया और आपका आईक्यू क्यू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव आ गया और एक महीने के बाद वही टेस्ट दिया और उसके रिजल्ट्स बता रहे हैं कि आईक्यू क्यू हंड्रेड एंड टेन है और फिर एक तीसरे मौके पे आपने वही टेस्ट दिया तो आईक्यू क्यू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव आ गया इसका मतलब है कि ये कोई रिलाइबल रिजल्ट नहीं है या तो उस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है या टेस्ट देने वाले में कोई प्रॉब्लम है अदरवाइज एक रिलायबल टेस्ट जो है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देता है जब आप उसको दोबारा देंगे तो उसके रिजल्ट्स सिमिलर आएंगे हाँ एक चीज इसमें अहमियत रखती है और वो ये कि प्रैक्टिस इफेक्ट डेफिनेटली आ जाता है अगर एक टेस्ट आपने बार बार किया है तो इसका मतलब है कि प्रीवियसली आपने कुछ चीज़ें जो आपको मालूम नहीं थी अब वो आपको मालूम है और हो सकता है कि आपका स्कोर पहले से अच्छा आ जाए ये थोड़ा सा एक एरर का एलिमेंट है जो किसी भी टेस्ट में हो सकता है दूसरी जानब यह भी हो सकता है कि एक टेस्ट अगर आप बार बार दें तो फिर इफेक्ट आ जाए आपने पहली दफ़ा बहुत जोश के साथ टेस्ट किया और बड़ी अच्छी तरीके से मुकम्मल कर लिया दूसरी दफ़ा आप कुछ कम स्पिरिट्स में थे आपने बस जैसे तैसे ख़त्म कर दिया तीसरे ओकेजन पे दिया गया तो आप बिल्कुल तंग आ चुके थे और आप बोरियत का शिकार थे आपने आइटम्स के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी टेस्ट की एक और करेक्टरिस्टिक जिनको हम यूँ कह लीजिए कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो हैं उनमें एक बहुत अहम क्वालिटी जो हमें चाहिए वो नॉर्म डेवलपमेंट यानी टेस्ट के कोई नॉर्म्स होते हैं टेस्ट के रिजल्ट्स को कंपैरिजन के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मौजूद होना चाहिए मिसाल के तौर पर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट के तौर पर जानते हैं कि एवरेज आई क्यू है और नाइन्टी से लेकर हंड्रेड के आई को हम एवरेज कहते हैं जिसका मतलब है कि किसी शख्स का आई क्यू अगर हंड्रेड है तो हम कहते हैं ये तो बहुत जहीन है अगर किसी बच्चे का आई क्यू है या सिक्सटी है तो आप कहते हैं कि ये मेंटल रिटार्डेशन को छू रहा है और इसको स्पेशल पर्सन कंसिडर करना चाहिए और इसको स्पेशल एजुकेशन की और स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है कभी हम ये नहीं सोचते कि ये जो एवरेज कॉन्सेप्ट है एवरेज आईक्यू का कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया जो स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं आई क्यू टेस्ट जो हैं उसमें उस टेस्ट को बहुत बड़ी तादाद में लोगों को दिया जाता है एडमिनिस्टर किया जाता है फिर उनके जो स्कोर आते हैं उनकी एवरेज ली जाती है तो जिन टेस्ट में आई क्यू हंड्रेड का आई क्यू एवरेज है इसका मतलब है कि जब उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वो टेस्ट दिया और उन सबके आई क्यूज को ऐड किया और टोटल नंबर से डिवाइड किया तो जो एवरेज आई वो 100 थी और उसमें ये गुंजाइश थी कि ये 100 जो है ये 90 से लेके 110 हो सकता है यहाँ पे कुछ स्टिस्टिकल कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं जिसकी हम बाद में जब नॉर्म्स को और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे तो हम उसकी डिटेल में जाएंगे यहाँ ये याद रखना है कि टेस्ट की इसेंशल करेक्टरिस्टिक्स में नॉर्म्स भी शामिल हैं जिन टेस्ट में हमने कंपेरिजन uh, करना होता है एक एवरेज का कॉन्सेप्ट देना होता है उसमें हम नॉम्स को रेफ़र करते हैं और नॉर्म्स से मुराद है बहुत बड़ी तादाद में आ, लोगों को वो टेस्ट देना और फिर ये देखना कि लोग आ, किस तरह के कि स्कोर उस पर लेते हैं उसी की बुनियाद पर एवरेज भी कैलकुलेट की जाती है यहाँ पे एक और बड़ा इशू जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड है वो है एथिक्स इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में हम बहुत एहतियात के साथ एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं ए यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने बाकायदा स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारे लिए दिए हुए हैं और तमाम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की कोशिश यही होती है कि उन्हीं एथिक्स को फॉलो करें हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि हम लोगों से उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ या मर्जी की ना होने की सूरत में इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे जो इंफॉर्मेशन हम लोगों से रिसर्च में लेंगे उसको हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे अनलेस वो शख्स ख़ुद अपनी रजामंदी जाहिर करे इसी तरह से रिसर्च में ये चीज़ बहुत अहम है कि ख़ाह हमारे सब्जेक्ट्स इंसान हैं या जानवर उनको हम किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हर्ट नहीं करेंगे साइकोलॉजिकल फिजिकल और इमोशनल डैमेज नहीं करेंगे नो डैमेज एंड नो हर्ट यही प्रिंसिपल्स साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर भी अप्लाई होते हैं वेन वी हैव एडमिनिस्टेड टू अ पर्सन वेदर अ चाइल्ड और एन एडल्ट इवन इफ़ दैट पर्सन इज अंटली सब नॉर्मल पर्सन इवन देन वी हैव टू मैंटेन कॉन्फिडेंशलिटी वी आर नाट गोइंग टू डिस्कलोज द रिजल्ट अदर पीपल अनलेस एंडल द सब्जेक्ट हैज़ एग्रीड टू इट अगर सब्जेक्ट ने या क्लाइंट ने या पेशेंट ने जो भी हम उसको नाम दे रहे हैं आपने अगर उससे इजाज़त ले ली है कि ये रिजल्ट और जगहों पर भी इस्तेमाल होंगे और लोगों को भी बताए जाएंगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वरना उसका जो भी स्कोर था जो रेटिंग थी जो डायग्नोसिस था उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और दूसरे लोगों को नहीं बताएंगे इसी तरह से एक और चीज़ जब टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है उसके दौरान और उसके बाद भी किसी किस्म का हर्ट और डैमेज वेदर मेंटल फिजिकल इमोशनल और सोशल विल नॉट बी कॉस्ट मेंटल का मतलब है कि आप एक शख्स का अगर स्कोर बुरा आया है मिसाल के तौर पर तो आप उसके ऊपर हंसे या उसको कहें कि तुम्हारा स्कोर इतना बुरा है ये एक मेंटल हर्ट है साइकोलॉजिकल हर्ट है सोशल इस लिहाज से हो सकता है कि आप उसी चीज को दूसरे लोगों में बता दें और दूसरे लोग जान जाए कि इस शख्स की ये वीकनेस है या कमजोरी है या एक मेंटल प्रॉब्लम से या मेंटल इलनेस से गुजर रहा है तो किसी किस्म का हर्ट डैमेज नुकसान शोहरत को नुकसान जतीी नुकसान ये हमें कॉज नहीं करना और हम एथिकली ऐसा नहीं कर सकते अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रख रहे तो इसका मतलब है कि हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे बहुत से लोग जो अपने क्लिनिक्स सेट कर लेते हैं या एक बोर्ड लगा लेते हैं कि हर तरह की असमेंट हम करते हैं और उसके बाद वो उसकी इंफॉर्मेशन बाजुकात सब्जेक्ट के जानने वालों को दे देते हैं बाजुकात मीडिया में भी दे देते हैं तो ये एक एथिकल चीज़ नहीं है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में और साइकोलॉजिस्ट में होता है ज़्यादातर तो उसको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए अगर हम रिसर्च पर्पज़ के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम उसकी कंसेंट भी लेते हैं कन्सेंट फॉर्म भी फिल करते हैं और इन्शोर करते हैं और ये वादा करते हैं कि आपकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी आपके रिज़ल्ट भी डिस्कलोज नहीं किए जाएंगे उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज कर दें उसके स्कोर भी डिस्क्लोज कर दें तो ये एक गैर अखलाक़ी हरकत होगी इसके अलावा एक और चीज़ जो आ, एथिकल इश्यूज में शामिल है वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट की भी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं उसकी भी अपनी एक आइडियोलॉजी है आइडियोलॉजिकल बायसेस भी हो सकती हैं पॉलिटिकल बायसेस हो सकती हैं किसी उसके एकेडमिक बायस हो सकती है उस सब को अपने सब्जेक्ट या अपने क्लाइंट या मरीज की तशीस और पैमाइश में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मुझे अगर सब्जेक्ट के अपने सब्जेक्ट के या पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्स पसंद नहीं है जो चीज़ें वो कह रहा है मतलब उसको इंग प्लॉट में एक ऐसी चीज़ें नजर आ रही हैं जिनसे मैं ग्रीन नहीं करती वो ऐसी चीज़ों के नाम ले रहा है जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो ऐसे जानवरों के नाम ले रहा है जिनसे मुझे खौफ आता है या वो इस तरह के वाक्यात दिखा रहा है जिनसे मुझे इरिटेशन होती है तो मुझे इसमें अपनी नापसंदीदी का इजहार नहीं करना चाहिए क्योंकि क्लाइंट को हर तरह से हक हासिल है और वो मेरे पास इसी वजह से आया क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं उसकी मदद करूंगी सो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए अनलेस सब्जेक्ट को कोई एतराज़ ना हो उसको हर्ट नहीं करना चाहिए जब सब्जेक्ट को हर तरह की रिस्पेक्ट देनी चाहिए और टेस्ट की इंटरप्रिटेशन में टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन में हर तरह से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी तरह का हर्ट कॉज ना हो यहाँ पे एक आखिरी चीज़ जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे वो ये है कि अगर आप एज स्टूडेंट्स ऑफ दिस कोर्स ये चाहें कि आप टेस्ट के बारे में मज़ीद मालूम कहाँ से लें तो उसके लिए बहुत सी सोर्सेस अवेलेबल हैं कम से कम चार सोर्स को हम रिफ़र कर सकते हैं साइकोलॉजी में हम जानते हैं कि सबसे अच्छी जो रेफरेंस है वो हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को इस्तेमाल करते हैं उनकी बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसके ऊपर उनके सारे डिविजन्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और मेजरमेंट के हवाले से देखना चाहें तो आपको मालूम हुआ कि दो साइट्स हैं जो रेलिवेंट हैं या दो डिवीज़न् जो रेलिवेंट हैं डिवीज़न फोर्टीन एंड डिविज़न फाइव अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के डिवीज़न बाई नंबर्स एंड नेम अगर आप देखें तो डिवीज़न फाइव वो डिवीज़न है जो डायरेक्टली रिलेटेड है टेस्टिंग के साथ इसका नाम है डिवीज़न फाइव इवेलुएशन मेजरमेंट एंड स्टेटिस्टिक्स एच टी टी पी डब्ल्यू 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 डॉट ए पी ए डॉट ओ आर जी स्लेश अबाउट स्लेश डिज़न स्लेश अगर आप इस पर जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मेजरमेंट से रिलेटेड जो डिविजन है उसमें किस तरह के काम किए जा रहे हैं किस तरह की रिसर्च हो रही हैं कौन कौन से जर्नल्स हैं और किस किस तरह की कॉन्फ्रेंस और कैसे कैसे पेपर्स मौजूद हैं इसके अलावा डिविज़न 14 में भी आप देख सकते हैं वो है सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इसमें भी टेस्ट रिलेटेड और मेजरमेंट रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद है तो बहुत अच्छा होगा अगर आप इनको भी देख लें इसके अलावा टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप टेस्ट मैनुअल्स देख सकते हैं टेस्ट कैटलॉग्स अवेलेबल हैं और नेट सर्फिंग अगर आप करें तो आपको बहुत सी इंटरनेट साइट्स मिलेंगी जहाँ पर टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्डाइज टेस्ट जिनके कापी मौजूद हैं उनके आइटम्स इंटरनेट पर या किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगे उनके मिलते जुलते आइटम जो हैं वो आपको दिखाए जाएंगे मिसाल के तौर पर क्योंकि उनकी एक प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशलिटी जो है उसको मेंटेन किया जाता है लेकिन इसके अलावा बहुत सी साइट्स पे ऐसे भी टेस्ट हैं जो कि ओपन हैं आप उनको देख सकते हैं आप उनको खुद से कर भी सकते हैं प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और किसी और के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आज के लेक्चर में हमने Uh, कुछ बुनियादी चीज़ें देखी इस कोर्स के बारे में इस कोर्स की बैकग्राउंड के बारे में और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और हमने ये देखा कि साइकोलॉजिकल uh, टेस्टिंग में मुख्तलिफ तरह के टेस्ट जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं टेस्ट की कंस्ट्रक्शन का एक ख़ास प्रोसीजर है टेस्ट की इसेंशल रिक्वायरमेंट्स हैं वेलिडिटी और रिलायबिलिटी की जिसके बगैर टेस्ट को मुकम्मल समझा नहीं जा सकता और अगर हम इस पोजिशन में आ जाते हैं कि हमें साइकोमीट्रिक्स में या साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में मेजरमेंट में काम करने का मौका मिलता है तो हमें ये देखना है कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बे से नहीं की जाती बहुत केयर का इसमें हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें हमें एथिकल स्टैंडर्ड्स को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें टेस्ट के बारे में अपने नॉलेज को अप टू डेट करते रहना चाहिए जिसके लिए हम रिलेटेड uh, साइट्स देख सकते हैं कैटलॉग्स देख सकते हैं और टेस्ट मैनुल्स का मताल कर सकते हैं अगले लेक्चर में uh, हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट किस तरह से डेवलप हुए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफ